कार्यक्रम स्थल की शुद्धता अवनी एक सामाजिक संगठन है जो समय समय पर देश के सामने उभरती हुई चुनौतियों के संबंध में लगातार सेमिनार करता रहा है। इसके लिए मैं आलोक पांडे जी को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। इनकी मेहनत से यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा है और आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत की आर्थिक रेटिंग को घटाने का काम कर रही है, देश में आर्थिक स्थिति विकराल रूप में लेती जा रही है, लोग देश में मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होते हुए भी देश की आर्थिक व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री चिंतित हैं। ऐसे में अवनी ने यह सोचा कि देश के सामने बिगड़ते हालात को लेकर जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है उसके बारे में एक विधिवत विचार गोष्ठी की जाए। मित्रों, आज का जो ये विषय है, इस देश की वो विकराल समस्या है जिसके समक्ष 2G 3G ये जितने स्कैम हुए हैं सब छोटे पड़ गए। इसके पहले कि हमने ये विषय क्यों चुना और आज इस तरीके के सभागार में इस तरीके का विषय लेके हम क्यों आए, मैं 2-3 चीजें आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको समाप्त करूं। आर्थिक समस्याओं का ये लीगलाइज कर देंगे उस चीज को, उसको एक लीगल आवरण कैसे पहनाएंगे, जो समस्याएं हैं, समस्याएं क्यों हुई, समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए, उसका लीगल समाधान क्या होना चाहिए, उस पर अच्छी तरह से प्रकाश डाल पाएंगे। मैं उनका अपने हार्दिक दिल से अवनी की तरफ से स्वागत करता हूं। यह रामचंद्र राव साहब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, हमारे लीडर हैं और एक अच्छे वकील हैं, समय निकाल करके अवनी के मंच पर आए, हमको लगता है उनको जरूर यह सब्जेक्ट अट्रैक्ट जरूर किया होगा। यह सब्जेक्ट ऐसा है कि जिस पर हर व्यक्ति बोलना चाहेगा, बहुत रिसर्च, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं मिस्टर राव का अवनी की तरफ से स्वागत करता हूं। Short run, the global economy is being buffeted by multiple shocks emanating from various sources, economic, social and geopolitical. Nevertheless, India is projected to be the second fastest growing major economy, 7%, after China, that is 8.2%, as per the IMF. In the medium term, challenges for the global economy continue to emanate from the way the Eurozone crisis is addressed. The high deficits and debts in Japan and US and slow growth in high economic countries in general have not been resolved. The looming risk to the global outlook is also an account of geopolitical tensions centered on Iran that could disrupt oil supply and result in a sharp increase in oil prices and even disrupt supply routes. While the current juncture is important for the anticipating outcomes in the short and medium term, the current global situation is also a manifestation of certain long-term developments and changes in the relative positions of major economies that have now perhaps reached certain critical proportions.
Over the last 20 years, sustained growth of number of large emerging economies, especially the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa economies has resulted in an increase in their share in the global GDP. As a consequence, the value addition in the world economy has been moving away from advanced countries towards emerging countries. The decline in share is particularly marked in the case of EU. The shift towards Asia has been significant, and with Asia away from Japan to China and India. Vichardhara, Rajneeti, Neeti aur Niyam. तो विचारधारा से प्रेरित होती है राजनीति, राजनीति से प्रेरित होती है नियत, लेकिन उसके पहले जो है वो नीति बनाने वाले जो हैं, नीति और नियत के बीच का जो दूरी है या जो फासला है वो कहां आके टिकता है और कहां जनहित में जाता है, ये एक विचारणीय बिंदु है, विचारणीय विषय है जो हम लोगों के बीच खास करके चर्चा करना चाहिए, क्योंकि सारे यहां प्रबुद्ध लोग हैं। इसलिए मैंने कहा मैं यहां ज्ञान अर्जन के लिए आया हूं, और उसमें जो है नीति और नियत के बीच में आकर के उसमें सब कुछ आगे टिका हुआ है। हमारा भविष्य, राजनीतिक भविष्य, आर्थिक भविष्य, देश का भविष्य, वकीलों का भविष्य, पत्रकारों का भविष्य और समाज के हर जो लोग हैं उनका भविष्य, जो अर्थ की बात जहां तक है। तो इन्होंने इसमें कई बातों का जिक्र किया है और जो इन्होंने स्टैंडर्ड पोर्स को कोट किया है, तो मैं इसमें मेरा ये विचार है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और जो भी क्रेडिबल है, जो क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, उसको नियत कौन करता है, उसको फिक्स कौन करता है, स्टैंडर्डाइजेशन का पैमाना क्या है। हम जो हैं कहीं न कहीं से अपने देश में अभी भी जो 150 साल की गुलामी है, कहीं न कहीं वो दिखाई पड़ती है हम लोग की मानसिकता में कि हम विदेशी एजेंसी को मानक मान लेते हैं। तो पहले हमें उस मानकता का जो दौर है उससे निकलना पड़ेगा, अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद ही जानते हैं कि हमारी मानकता क्या है, हमारी पॉकेट की क्या आय है, हमारी आय क्या है, वहां से निश्चित होती है हमारी आर्थिक दशा और वो लिंक होती जाके देश। 1990 के रिफॉर्म्स आए, 1995 तक बहुत ग्रोथ हुई, फिर 95 से 98 तक फिर ग्रोथ रुक गई, देन 98 से लेके 2005 तक फिर ग्रोथ हुई, हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर नीचे गया बट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस वक्त हमको कंफ्लिक्टिंग सिग्नल मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरह का लग रहा है कि जैसे पॉलिसी डेडलॉक हो गया, कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, और अगर पॉलिसी बनती है तो कोई उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता। क्या चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि आप एक वातावरण बनाते हैं। जैसे राकेश ने बोला, वो संस्कृति का पार्ट होना चाहिए जिससे कि लोग उसको अप्रिशिएट कर सके और कर सके। रूल ऑफ लॉ में 216 डिस्ट्रिक्ट्स, माइंड इट 5 or 10 डिस्ट्रिक्ट्स, आई मे बी रॉन्ग, आउट ऑफ 600 डिस्ट्रिक्ट्स नो रिट ऑफ एनी स्टेट और सेंटर रन्स, दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय सो कॉल्ड रेड एरिया और नक्सलाइट्स। इन एरियाज में गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, those authorities take the tax, and I am not saying they are wrong, वो भी अपनी मजबूरी के product है। जब government उनका confidence नहीं earn कर सकती, जब उनको लगता है government party exploitation के लिए, तो वो क्यों माने? 216, you can do the mathematics, what is the percentage? Sitting in Delhi we think rule of law is there, rule of law वहां पे क्या करेगा, जबकि आपका conviction rate सिर्फ 4.5% है। Only 4.5% is the conviction rate of India. I think crime is a very good business. Zero chances of getting convicted is 4.5%. जब हाई कोर्ट का जज बनता है, उस दिन से determined हो जाता है कि किस दिन उसने retire होना। उसके बावजूद 600 plus judges की जो total capacity हमारे India में 150 या 175 जज नहीं appoint किए गए। क्यों? Somebody must be accountable. What has happened? Either executive or judiciary, somebody must answer this. Private enterprise versus public enterprise. जैसा मैंने बोला, 1960 तक public enterprise बहुत productive रहा। आज के दिन धारणा ये है कि government is not meant to run businesses, it should govern what it should do. उस सूरत में good, bad और ugly, आप जो policy करते हो, it should be firm so that the people can rely on that. आप 2
लालू जी का केस अगर हार जाते हो तो आप रिट्रोस्पेक्टिवली अगर उसके अमेंडमेंट मांगते हो तो एक बड़ा गलत मैसेज आता है कि इंडिया इज अ बनाना रिपब्लिक, इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। मैं पूरा एग्री करता हूं राकेश जी के साथ कि हमको कॉलोनियल मेंटेलिटी से नहीं चलना, हमको अपनी फिलॉसफी निकालनी, अपना करेक्टर करना, हम उसको फॉलो करें, बट अपने लफ्ज की कीमत हम पे ना पड़े। कितने फकर से हम बोलते हैं कि सच एंड सच आदमी जो है उसका जो लफ्ज है वो ही फाइनल है, कोई लिखित एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जो अपनी इंडस्ट्री में समझता हूँ वो चाइना है। चाइनीज प्रोडक्ट को हम कम से कम यूज करें और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाए, मैंने उनको बताया था एक्साइज कितना है, कस्टम कितना है, ठीक है, वो पर कोई डिसीजन नहीं लिया। किसान अपने खेतों में दोनों बैलों को छोड़ दिया, दोनों बैल उसमें लड़ते रहे, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन बाद में वही किसान उसी दो बैलों को लेकर उस पर हल चलाकर फिर उसी खेत पर उसने वहां पर फिर फसल उगाया और उन्हीं दो बैलों का जोड़े को उन्होंने इस्तेमाल किया। उसी प्रकार उस समय भारत जब आजादी होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच में ये लोग हम जो डेवलपिंग कंट्री जो हमको हमें कहते हैं रूस और अमेरिका हमें किसानों के खेत की तरह हमारे फसलों पर वो हमें बर्बाद करते थे और फिर वही लोग हमें बचाने के लिए आते थे। इस तरह का जो बाइपोलराइजेशन जो पावर था अमेरिका और जो रूस आज खत्म हो गया और अमेरिका के हाथ में आ चुका है, लेकिन आज अमेरिका खुद खोखला बन गया है जैसे राकेश जी ने बताया। सचमुच आज हमें सोचना चाहिए कि क्रेडिट इकोनॉमी हो या सेविंग्स इकोनॉमी हो, भारत सेविंग्स इकोनॉमी में ज्यादा बहुत निर्भर था, इसीलिए आज किसी भी गरीब के घर में अगर कोई बीमार होता है, कोई शादी होती है, उनके भाई बहन पूरे परिवार आकर उसको सहायता करता है। ये ऐसा जो संस्कृति है हमको संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये जो सेविंग्स इकोनॉमी है जैसे हमारे राजेश सूरी ने बताया, ये सेविंग्स इकोनॉमी आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि हम एक इंडिविजुअल यूनिट अगर हम देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली को हम बचा सकते हैं। दूसरी बात रही देश की आर्थिक नीति हो, जब देश की आर्थिक नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री इस देश में आए थे तो हमारे फॉरेक्स में जीरो था, देयर वाज नो फॉरेन एक्सचेंज एट ऑल फॉर अस, विदेशी पूंजी हम पूरे जीरो में थी।